हेलो गाइस, वेलकम टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गाइस, टाइप यस इन द कमेंट अगर मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। यस, एमसीक्यू से कंप्लीट आज जनवरी हो जाएगा आपका पार्ट वन एंड पार्ट टू। ठीक है, कल मैंने फरवरी कंप्लीट कराया था, आज जनवरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रात में मैं सेशन लूंगी रिवीजन ऑन बजट एमसीक्यूज एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए देन लेट्स गेट स्टार्टेड। काइंडली शेयर द लिंक, लिंक शेयर कर दीजिए सो दैट ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन। ओके एंड आई कैन बिगिन एज सून एज पॉसिबल। हाँ, 8:30 बजे सेशन में बजट के एमसीक्यूज और इकोनॉमिक सर्वे के इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज है आपके फेज वन में पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैं आपको 8:30 के सेशन में करा दूंगी। ओके, बाकी फेब एंड जैन का हर एक चीज़ हमने कवर किया है और कल हम सितंबर टू दिसंबर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंकिंग एंड फिनेंस के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन करेंगे। ओके, सो रादर देन डूइंग ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग सो मेनी डेज। ओके, बहुत सारी बार हम स्पेशल क्लासेस में रिविजन किए हैं। जो सारे स्टूडेंट्स न्यू है जो ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, दे कैन ऑल्सो डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल। नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप अनअकैडमी पे जो मेरी स्पेशल क्लासेस हुई है उसमें पूरे 6 मंथ्स के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। मेक श्योर कि उन्हीं को आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज करें। चलिए देन स्टार्ट करते हैं सेशन को गाइस। ये आपका पार्ट टू है। सुबह मैंने लगभग 200 क्वेश्चंस लिए थे, अभी और 200 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज रूही, योर वेरीफाइड एजुकेटर एंड कैटेगरी एक्सपर्ट ऑन अनअकैडमी, स्पेशलाइज इन हैंडलिंग योर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स लाइक आरबीआई, सेबी, नबार्ड। ओके, एंड होपफुली आपको आने वाले दिनों में आरबीआई का फेज टू का बैच और उसके बाद आपको नबार्ड के एफसीआई के बैचेस एक अलग से कैटेगरी में देखने मिलेंगे। ओके, या दिस वाज माय रिसेंटली कंप्लीटेड बैच अंडर द बैंक कैटेगरी फॉर आरबीआई ग्रेड बी वेयर आई वाज हैंडलिंग द जीए पोर्शन। ओके, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ्स, रिवाइज देम बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो इन केस यू आर गोइंग फॉर अ सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन है, आप आपका गोल सिलेक्ट कर सकते हो अनअकैडमी पर एंड उस गोल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे यूज करना है रेफरल कोड रूही10 व्हाइल गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन। व्हेन यू यूज इट यू गेट अ 10% डिस्काउंट। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, यू कैन यूज द कोड रूही10 टू गेट अ 10% डिस्काउंट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट गाइस। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मैथ एंड मिशन इन विच ईयर? गुड आफ्टरनून यामिनी, अलीशा, जय। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मैथ एंड सर एक्चुअली आई एम बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। या सो आंसर करें इसे कमेंट में। सो द आंसर इज 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके ऑथर कौन है? गुड आफ्टरनून अंकित। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के ऑथर है एस वाई कुरेशी। ओके, एस वाई कुरेशी इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगमेट दोलमा रिसेंटली वोन द 4th प्लेस एट द ढाका मैराथन 2021 फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया शी इज फ्रॉम? जिगमेट दोलमा
हाल ही में इन्होंने फोर्थ पोजीशन हासिल की है इन ढाका मैराथन 2021। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? यस, लद्दाख इज योर करेक्ट आंसर। वेरी करेक्ट अलीशा, प्रिया लद्दाख से बिलोंग करती हैं। अगला है, आरबीआई ने वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया है। सो द बैंक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई द्वारा कैंसिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बैंक इज बेस्ट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसकी हेडक्वार्टर्स है। वेरी गुड। अगला है, ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केलेटी टर्न 100 रिसेंटली, विच कंट्री डिड शी रिप्रेजेंट? ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केलेटी 100 कंप्लीट की है रिसेंटली, किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुकी है? हंगेरी एज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो हंगेरी को इन्होंने रिप्लेस किया है, याद रखना है, ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केलेटी। इंडियन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है सी विजिल 21, इंडियन नेवी द्वारा हाल ही में कंडक्ट किया गया था। इट वॉज विच एडिशन ऑफ द मैरिटाइम एक्सरसाइज? ये मैरिटाइम एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन रहा है? सी विजिल 21। वेरी करेक्ट, आंसर इज सेकेंड एडिशन रहा है। याद रखना है, एक्सरसाइज का नाम मैरिटाइम एक्सरसाइज है जिसका दूसरा एडिशन रहा है। Who developed खादी प्राकृतिक पेंट? खादी प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ग्राम्य उन्नयन संस्था, गायत्री एजुकेशन सोसाइटी, खादी एंड विलेज कमीशन, या फिर विलेज इंडस्ट्री कमीशन, या फिर मांगी वेलफेयर सोसाइटी? वेरी करेक्ट, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन द्वारा प्राकृतिक पेंट डेवलप किया गया है। इंडिया का और वियतनाम का डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग 2021 हुआ था, जिसको को चेयर किया है डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार द्वारा विथ हिज वियतनामीज काउंटर पार्ट। दिस डायलॉग वॉज विच एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट? ये हमारे एनुअल इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग का कौन सा एडिशन रहा था? इंडियन डेलीगेशन रहे हैं अजय कुमार, जिन्होंने इस डायलॉग को रिप्रेजेंट किया है। ये आपका 13th एडिशन रहा है। वेरी करेक्ट ऑल ऑफ यू, 13th एडिशन। नील शिहान रिनाउंड जर्नलिस्ट रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस कंट्री से बिलोंग करते थे? रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड ऑथर एज वेल नील शिहान, सो यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर जर्मनी? वेरी करेक्ट, यूएसए से बिलोंग करते थे, यूनाइटेड स्टेट्स, नील शिहान। Who has been appointed as the head of empowered committee formed by center to administer COVID-19 vaaccine? Mark it as a very important question. COVID-19 vaccine ko administer karne ke liye ek empowered committee banayi gayi thi, jiska naam, jinke head kaun rahe hain? PD Waghela, RS Sharma, Nitin Kumar Kaul ya fir Abhay Karandikar? So very correct answer here is empowered committee ke head rahe hain RS शर्मा। ओके, आरएस शर्मा। अगला सवाल है, विथ विच कंट्री वाज द होस्ट ऑफ वन प्लैनेट समिट? वन प्लैनेट समिट यूएन एंड वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करते हुए जो समिट हुई थी, इसकी होस्ट कौन सी कंट्री रही है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, जर्मनी? हु वाज द होस्ट ऑफ वन प्लैनेट समिट? वेरी वेरी करेक्ट आंसर इज फ्रांस ने इसे होस्ट किया था, वन प्लैनेट समिट 2021। ओके, जिसको की होस्ट कंट्री फ्रांस रही है, इसका थीम क्या रहा है? थीम ऑफ वन प्लैनेट समिट, प्रमोशन ऑफ एग्रो इकोलॉजी, मोबिलाइजेशन ऑफ फंडिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ हैव बीन चोजन, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। वन प्लैनेट समिट 2021 का जो थीम है, वेरी वेरी करेक्ट ऑल ऑफ यू, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इंडिया का पहला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, पहला फायर पार्क जो कि इनॉग्रेट किया गया है, इनमें से किस सिटी में? टू एजुकेट एंड ब्रिंग अवेयरनेस ऑन बेसिक फायर सेफ्टी मेजर्स अमंग पीपल, लोगों के बीच जागरूकता फायर सेफ्टी
ओके के रिगार्डिंग एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पहला फायर पार्क इंडिया में कहाँ पर सेटअप किया गया है? वेरी वेरी करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर. यस. नेक्स्ट, वेद मेहता जिनका हाल ही में निधन हुआ था, ये रिनाउंड डायरेक्टर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन या फिर राइटर क्या रह चुके हैं? वेद मेहता. वेद मेहता हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड राइटर, राइटर रह चुके हैं. फोर्थ एडिशन चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था एट मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर अरुणाचल. कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ था? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर अरुणाचल. द फोर्थ एडिशन ऑफ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया था मणिपुर में. डॉक्टर प्रकाश राव जिनका हाल ही में निधन हुआ है, पद्मश्री अवार्डी रह चुके हैं. इन विच फील्ड, कौन से फील्ड में इन्हें पद्मश्री ऑनर दिया गया है? लिटरेचर में, म्यूजिक में, जर्नलिज्म में या फिर सोशल एक्टिविटी में? वेरी वेरी करेक्ट आंसर इज सोशल एक्टिविटी. डी प्रकाश राव, याद रखना है डी प्रकाश राव पद्मश्री अवार्डी इन सोशल एक्टिविटी. इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिसंबर 2020 में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा था? 1.59, 2.59, 3.59 या फिर 4.59%? बिल्कुल सही जवाब है प्रिया शुभम, द आंसर इज 4.59. अलीशा, गुड आफ्टरनून मयूर, प्रांजल डी, 4.59% इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन. एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था आरबीआई द्वारा. बेसिकली इस ग्रुप को बनाया गया था टू स्टडी डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज टू स्टॉप द ग्रोइंग फ्रॉड्स इन द सेक्टर. हु विल हेड दिस कमिटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी. आरबीआई ने जितने भी कमिटीज बनाए हैं उनके हेड काफी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज या फिर फ्रॉड्स को स्टॉप करने के लिए, इनको मॉनिटर करने के लिए जो भी कमेटी आरबीआई द्वारा बनाई गई थी, इसके हेड रहे हैं जयंत कुमार दास. ओके, जेके दास. अगला सवाल है डैश, द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन न्यूब्रा वैली, द 7-day इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय न्यूब्रा एडवेंचर क्लब, सो वेयर वॉज इट? आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन न्यूब्रा वैली एट लद्दाख, लद्दाख में ये सेलिब्रेट किया गया है. वेरी वेरी गुड. सो व्हेन इज आर्म्ड फोर्सेस वेटर्स डे ऑब्जर्व्ड? आर्म्ड फोर्सेस वेटर्स डे हमारे कंट्री में कब ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज 14th of January, 14 जनवरी को. RBI has imposed a penalty of how much? कितने का penalty RBI ने Deutsche Bank AG पर लगाया है for non-compliance with certain provisions of directions concerning interest rate on deposits? Interest rate, deposits पे जो interest rate bank provide करती है उनके ऊपर जो भी provisions RBI ने लगाए हैं उनको comply नहीं करने के कारण Deutsche Bank AG पर RBI ने penalty कितने की लगाई है? इट इज ऑफ 2 crores, 2 crore की पेनल्टी. याद रखे, वेरी इंपॉर्टेंट. आरबीआई से रिलेटेड जितने भी न्यूज है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं. बुक टाइटल मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको इज अ मेमोर ऑफ विच इंडियन आर्मी ऑफिसर? इनमें से किस इंडियन आर्मी ऑफिसर के द्वारा बुक मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको लिखी गई है? कौन सा हिमालय? निर्मल चंदा सूरी, राजेंद्र रामराव निंबोरकर या फिर कमलजीत सिंह? यस, अ यूनानिमस आंसर बाय ऑल ऑफ यू. कौन सा हिमालय? सिंह. ओके, तो हिमालयन इको से ही आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, इसने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया है टू एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन द कंट्री. हु विल हेड दिस कमिटी? अब हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को एग्जामिन करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल IRDAI द्वारा बनाया गया है जिसके हेड है
सुभाष चंद्र खुंटिया, वेरी वेरी करेक्ट। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र खुंटिया हो गया। इंडियन आर्मी डे, वेरी करेक्ट, 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, 2021 में इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग विच एडिशन ऑफ आर्मी डे ऑफ इंडिया? 2021 में इंडियन आर्मी कौन सा एडिशन मना रही है आर्मी डे का? आर्मी डे का ये 73rd है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 73rd एडिशन ऑफ आर्मी डे ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विद विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिड नीति आयोग कोलैबोरेट टू रिवॉर्म द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को रिवैम्प करने के लिए नीति आयोग ने इनमें से किस कंपनी के साथ, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जो है टाई अप किया है? सो नीति आयोग का टाई अप फ्लिपकार्ट के साथ हुआ है, याद रखना है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। टेस्ला INC has registered its first fully owned subsidiary in which city of India? पहली फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी टेस्ला INC किस सिटी में रजिस्टर की गई है? अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलोर में? द वेरी करेक्ट आंसर, बेंगलोर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ टेस्ला INC, इसकी हेडक्वार्टर्स बिल्कुल सही है, कैलिफोर्निया US में हेडक्वार्टर्स है। अगला जो सवाल है, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 के मुताबिक टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेशर स्कूल वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ब्रेकआउट इकोनॉमीज? ब्रेकआउट इकोनॉमीज में इंडिया का रैंकिंग क्या है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 के मुताबिक? इंडिया का जो रैंक है चौथा है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकआउट इकोनॉमीज में इंडिया का नंबर चौथा है। कौन सी कंट्री ने ब्रेकआउट इकोनॉमीज 3rd एडिशन ऑफ डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड में टॉप किया है? डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड का तीसरा एडिशन में टॉप करने वाली जो कंट्री है वो कौन सी है? वो है चाइना। ओके, चाइना इज द टॉप मोस्ट कंट्री, द रैंक ऑफ इंडिया इज 4th। नेक्स्ट, डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड डेवलप बाय टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेशर स्कूल इन पार्टनरशिप विथ हुम? किसके साथ पार्टनरशिप करते हुए ये स्कोर कार्ड रिलीज किया गया है डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड? मास्टर कार्ड, वीजा, पेटीएम, अमेजोन, ये जो है पार्टनरशिप विथ मास्टर कार्ड। ओके, इट इज डन इन पार्टनरशिप विथ मास्टर कार्ड। अगला सवाल है, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली $20 मिलियन का आइडिया फोर्ज के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है, डील की है, टू बाय विच ऑफ दीज UAVs? बिल्कुल सही, स्विच के साथ। ओके, याद रख के, आइडिया फोर्ज स्विच $20 मिलियन, सॉरी, इंडियन आर्मी का पैक्ट है $20 मिलियन का विथ आइडिया फोर्ज टू बाय स्विच UAVs. Which hospital has won the Kayakalp Award for the 3rd consecutive year? लगातार तीसरी बार इनमें से किस हॉस्पिटल ने कायाकल्प अवार्ड जीता है? एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल या फिर जोधपुर? The correct answer is एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प अवार्ड जीता है। President of Supreme Court Bar Association who has resigned from the post recently? इनका नाम अशोक कुमार सेन, दुष्यंत दवे, रामजेत मालनी या फिर पावनी पामेश्वर राव? बिल्कुल सही है, दुष्यंत दवे, DD. ओके, President of Supreme Court Bar Association, जिन्होंने resign किया है। सदान जापुरो, जिनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, इनमें से किस कंट्री के लिए? मंगोलिया, बेलारस, किर्गिस्तान या फिर यूक्रेन के? किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं सदाया जापारो? जापारो किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं, वेरी करेक्ट।
इफ बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल हो सकती है तो फिर करेंसी क्या होनी चाहिए? मन्नत है, तेंगे है, सोम है या फिर लारी है? बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, देन द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान इज सोम। ओके मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किर्गिस्तान काफी न्यूज में रहा है जिसके कारण यहाँ पे स्टैटिक बन सकता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो कार किस सिटी में इनॉग्रेट अनवील किया गया है? राजनाथ सिंह द्वारा इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो कार मुंबई में जो है अनवील किया गया है। इंडिया का 51st IFFI is celebrating the work of which legendary Indian film maker? किस legendary Indian film maker के work को celebrate करते हुए 51st IFFI observe किया गया था? What was the venue of this? इसका venue क्या रहा है? सत्यजीत राय। Okay, to celebrate the work of सत्यजीत राय, इसका venue क्या रहा है? 51st IFFI का वेन्यू रहा है गोवा, द पार्टनर कंट्री वॉज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनॉग्रल दो दिन का प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? हाँ, द फोकस कंट्री वॉज बांग्लादेश फॉर द 51st IFFI, वेरी गुड। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू दिल्ली में। याद रखें, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का वेन्यू न्यू दिल्ली रहा है। इंडिया का पहला है इंडिजीनियस डैश मशीन पिस्तौल जॉइंटली DRDO और इंडियन आर्मी द्वारा डेवलप किया गया है। कितना mm का है? 6, 7, 8 या फिर 9? इंडिया का पहला इंडिजीनियस 9 mm का मशीन पिस्तौल, याद रखें 9 mm का मशीन पिस्तौल है, DRDO और इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप 9 mm का मशीन पिस्तौल DRDO और जो इंडियन आर्मी द्वारा डेवलप किया है। अभी देखा, इसका नाम आपको बताना है। नेम इट निर्वाणा, तनिष्क, आसमी या फिर बीमा। वेरी करेक्ट, याद रखिए 9 mm का, आसमी। नेक्स्ट, डैश हैज बिकम द 8th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अंडरटेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म स्टिपुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स जो स्टिपुलेट किए गए हैं, इसमें से 8वां स्टेट सक्सेसफुली इसे कंप्लीट करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को कंप्लीट करने वाला जो स्टेट है वो है केरला। ओके, केरला हैज बिकम द 8th स्टेट। ओके, 8th स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप इनमें से किस कंट्री के साथ की इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? ICT में, कोऑपरेशन के लिए ये जो पार्टनरशिप हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मलेशिया के साथ, जापान, US या फिर रशिया, ये हुई है जापान के साथ। ओके, जापान एंड गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ ICT। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ इंटेल? इंटेल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है? बॉब स्वैन है, गॉर्डन मोरे है, पैट ग्लिंसर है या फिर ओमर इशराक है? यस, वेरी करेक्ट, CEO ऑफ इंटेल इज पैट गिलसिंगर। ओके, गिलसिंगर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 लॉन्च बाय द गवर्नमेंट 2020-21 में, इसका टोटल आउटले क्या रहा है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का टोटल आउटले क्या रहा है? ₹948.90 करोड़, याद रखना है लगभग 1000 करोड़। IPPB दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप इनमें से किस डिजिटल कंपनी के साथ की है जिसके तहत वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहे अमंग अंडरसर्व्ड एंड अनबैंक सेगमेंट्स ऑफ द कंट्री? कंट्री के ऐसे सेगमेंट्स जहां पर बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, जैसे कि रूरल एरियाज हो गए। ओके, इनको अनबैंक्ड एरियाज को, अनबैंक सेगमेंट्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है पार्टनरशिप की है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स के साथ। याद रखना है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स
के साथ आईपीपीबी ने पार्टनरशिप की हुई है। इनमें से कौन से बैंक ने आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की टू लॉन्च वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड्स? वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की पार्टनरशिप किस बैंक के साथ हुई है? तो ये हुई है यस बैंक के साथ। ओके, यस बैंक के साथ। इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा हाल ही में अपॉइंट की गई है एस डैश इन यूएस। ओके, गरिमा वर्मा वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल इन ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी। ओके, डायरेक्टर जनरल इन ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी इन यूनाइटेड स्टेट्स। Recently, Google Doodle ने Dr. James Naismith को honor किया है। He was associated with the invention of which game? किस गेम से associated रहे हैं Dr. James Naismith? बिल्कुल सही, basketball। Okay, याद रख के Google Doodle ने इन्हें सम्मानित किया है Dr. James Naismith basketball। इनमें से किसकी अपॉइंटमेंट हुई है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन के पोस्ट पे? चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन संदीप अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार इन ओवर द फाइव डेकेड्स No foreign government will visit India as the chief guest for the Republic Day parade. In India, we are celebrating dash Republic Day. कब, कौन सा Republic Day हमने 2021 में मनाया है? 73rd, 74, 75th या फिर 72nd? Very simple. It was 72nd. Next, Yes Bank ने आदित्य बिरला Wellness के साथ partnership की थी। Yes Bank Wellness and Yes Bank Wellness Plus को लॉन्च करने के लिए। ये किस टाइप के प्रोडक्ट्स है? ये टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है। These are the type of credit cards. Very good. Who among the following has been appointed as the vice chair of 2021 Global Board of Directors of US India Business Council UCBIC? US India Business Council के वाइस चेयर्स कौन बने? अजीम प्रेम जी, किरण मजूमदार शॉ, शिव नादर या फिर दिलीप सांगवे? वेरी करेक्ट आयुष, शीतल, मयूर। द आंसर इज किरण मजूमदार शॉ। ओके, सो अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयर ऑफ 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ US India Business Council. It was announced that there will be no foreign leader as the chief guest of Republic Day. Who was the first chief guest to grace Republic Day in 1950? 1950 में पहले chief guest कौन रहे हैं Republic Day पे? कौन रहे हैं? Very correct, Sukarno from Indonesia. Next. Newly appointed President of the UN Human Rights Council 2021 के लिए UN Human Rights Council के President बिल्कुल सही है नाजत शमीम खान। ओके, नाजत शमीम खान। With which fintech did ICICI Bank tie up with to issue prepaid cards for the MSMEs? Micro, small and medium enterprises को prepaid cards issue करने के लिए ICICI Bank ने किसके साथ partnership की हुई है? ICICI Bank ने NEO, okay, with the fintech firm called NEO के साथ partnership की हुई है। Next, Prime Minister Modi जी ने हाल ही में Startup India Seed Fund को लॉन्च किया था। इसका जो टोटल साइज है इस फंड का कितना है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का जो टोटल साइज है वो है 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का है। इनमें से कौन से मिनिस्ट्री द्वारा मंद लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन सक्षम जो है ऑर्गेनाइज किया गया था? सक्षम ऑर्गेनाइज किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा? ये लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री द्वारा।
सक्षम या अवेयरनेस कैंपेन लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च ऑर्गेनाइज किया गया था। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 का कौन सा एडिशन रहा है, डेट आपको कमेंट में बताना है। पिछले सेशन में क्वेश्चन ले चुकी थी जहाँ पे हमने डेट देखा था। एक मंथ का नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 का कौन सा एडिशन रहा है, ये जो रहा था फर्स्ट एडिशन रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट एडिशन। ऑथर ऑफ द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के ऑथर कौन रहे हैं, बिल्कुल 18 जून से 17 फरवरी तक के नेशनल रोड सेफ्टी मंथ हमने मनाया था जिसका पहला ही एडिशन हुआ था जी। ऑथर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के ऑथर रहे रामचंद्र गुहा। कितने ट्रेन फ्लैग ऑफ किए गए हैं मोदी जी द्वारा हाल ही में डिफरेंट लोकेशंस पर फॉर केवाड़िया स्टेशन इन गुजरात टू कनेक्ट देम विद स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी से कनेक्ट करेगा केवाड़िया स्टेशन इन गुजरात तक के मोदी जी द्वारा कितने ट्रेन जो है फ्लैग ऑफ किए गए हैं, 5, 6, 8, 10 या फिर 6 है। द टोटल योर आंसर हियर इज टोटल 8 ट्रेन वर फ्लैग्ड ऑफ बाई नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट 51st एडिशन हुआ है IFFI का, इसमें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको कॉन्फर किया गया है, वो हैज बीन कॉन्फर्ड विद द इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, बिश्वजीत चैटर्जी को। यस, इस फेस्टिवल के दौरान जो है इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब बिश्वजीत चैटर्जी को दिया गया है। अगला सवाल है इनॉग्रल एडिशन हुआ है खेलो इंडिया संस्कार विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल का, ये किस प्लेस पे हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था लद्दाख में। वेरी करेक्ट। पद्म अवार्ड विनर रह चुके उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ही हैज ऑनर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बंगाली पोएट्री, उर्दू लिटरेचर, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या फिर तबला। पद्म अवार्ड विजेता रह चुके उस्ताद गुलाम मुस्तफा, बेसिकली इनको ऑनर दिया है इन कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इंडिया का पहला कोविड वैक्सीन रेसिपिएंट कौन रहा है, रणदीप गुलेरिया, धवल द्विवेदी, मनीष कुमार, डॉक्टर वी के पॉल। इंडिया का पहला कोविड वैक्सीन रेसिपिएंट रहा है मनीष कुमार। नेक्स्ट, इनमें से कौन से स्टेट ने वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम को जो है अनवील किया है जिसके तहत यूपीएससी सिविल सर्विस और आईएएस एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है स्पेशली फॉर द इकोनॉमिकली पुअर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ विच स्टेट। द आंसर इज केरला नॉट यूपी। ओके, केरला का ये इनिशिएटिव रहा है वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम। फुल फॉर्म आपको बताना है सक्षम का, ये कैंपेन हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा ये जो रिलीज किया गया था सक्षम अवेयरनेस कैंपेन। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है, सूर्य क्षमता महोत्सव, सनस्क्रीन क्षमता महोत्सव, सुरक्षित क्षमता महोत्सव, संयम क्षमता महोत्सव। बिल्कुल सही जवाब है संस्करण क्षमता महोत्सव। याद रखिए संरक्षण क्षमता महोत्सव। अगला, विनर ऑफ योनिक्स आइलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का मेन सिंगल टाइटल के विजेता कौन रहे हैं, एंडरसनस्टन, केंटो मोमोटू, शियुकी या फिर विक्टर एक्सेलसन। विक्टर एक्सेलसन, वेरी करेक्ट, द आंसर इज विक्टर एक्सेलसन। प्लेयर का नाम बताना है जिसने वुमेन सिंगल टाइटल एट योनिक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। वुमेन सिंगल टाइटल योनिक्स थाईलैंड ओपन 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है कैलिना मारिन ने। ओके, कैरोलिना मैरिन। नेक्स्ट,
NASA is looking to carry out the eighth and the final test of Dash test series. कौन से टेस्ट सीरीज का आठवां और फाइनल टेस्ट जो है नासा लॉन्च कर रही है? रेड रन है, ग्रीन रन है, ब्लू है या फिर व्हाइट रन है? इट इज ग्रीन रन, याद रखिए ग्रीन रन है। योवेरी मुसेवेनी ने सिक्स्थ टर्म हासिल किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीतकर योवेरी मुसेवेनी सिक्स्थ टर्म प्रेसिडेंट बने हैं? किस कंट्री के? चील, सोमालिया, उगांडा या फिर रोमानिया के? उगांडा के प्रेसिडेंट, याद रखिए योवेरी मुसेवेनी उगांडा के प्रेसिडेंट। डैश हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड द किंगडम ऑफ बहरेन एंड यूएई एज अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स किंगडम ऑफ बहरेन और एंड यूएई किसने डेजिग्नेट किया है? ये डेजिग्नेट किया गया है यूएस द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स। अगला है, इंडिया हैज साइन अ स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद विच कंट्री टू प्रमोट द मूवमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया टू दैट कंट्री? The correct answer here is Japan. The answer is Japan. Yaad rakhiye specified skilled worker. India has signed a MOC, Memorandum of Cooperation with Japan. National Disaster Response for NDRF अपना 16th Raising Day कब मनाता है? 16th Raising Day NDRF द्वारा कब ऑब्जर्व किया जाता है? बिल्कुल सही है, 18 जनवरी को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, कमल मोरारका हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? कमल मोरारका हाल ही में जिनका निधन हुआ है किस फील्ड से रिलेट करते थे? फिल्म इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स से, जर्नलिज्म या फिर पॉलिटिक्स से? कमल मोरारका ये रिलेट करते थे पॉलिटिक्स से। इनमें से किस कंट्री ने रिसेंटली स्पेशल परमिशन दिया है दुबई रूलर को फॉर हंटिंग होब्रा बस्टर्ड? होब्रा बस्टर्ड ड्यूरिंग 2021 हंटिंग सीजन। कौन से कंट्री ने स्पेशल परमिशन दुबई को इशू किया है होब्रा बस्टर्ड हंटिंग के लिए? ये परमिशन पाकिस्तान ने इशू किया है। अगला है, विश्ववीर आहूजा हाल ही में रीअपॉइंट किए गए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? रीअपॉइंटमेंट हुई है विश्ववीर आहूजा की एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन, इंडसइंड, बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीएल? इट इज रत्नाकर बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, डीआरडीओ हैज हैंडेड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस डैश टू द सीआरपीएफ? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस जो हैंडओवर किया है उसका नाम है रक्षिता। ओके, नॉट रक्षक, रक्षिता। मार्क रुटे हैज रिजाइन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अलोंग विद हिज एंटायर कैबिनेट? पूरे कैबिनेट के साथ मार्क रुटे ने अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से रेजिग्नेशन दिया है। Of which country? Of Netherlands. Okay, Netherlands से इन्होंने resign किया है Mark Rutte. अगला सवाल है, Dr. Harshvardhan जो कि Union Minister रहे Health and Family Welfare के, digitally इन्होंने कौन सा session chair किया है WHO Executive Board का? Video conferencing के तहत Dr. Harshvardhan जी ने 148th session of WHO Executive Board को chair किया है, 148th को। Zoo का नाम बताना है जो recently rename किया गया है महाराष्ट्र government after बालासाहेब ठाकरे। Okay, बालासाहेब ठाकरे जी के नाम पे महाराष्ट्र government ने कौन से zoo को rename किया गया किया है? तो ये किया गया है गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू को। याद रखिए गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू स्टैटिक बन सकता है, किस स्टेट का जू है? महाराष्ट्र का है। अगला है, इनमें से किसकी अपॉइंटमेंट हुई है न्यू चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट विच मैनेजेस द हिस्टोरिक सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात? मार्केट इज इंपॉर्टेंट, एल के अडवाणी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी?
चेयरमैन श्री सोमनाथ ट्रस्ट के बने हैं मोदी जी। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पराक्रम दिवस हर साल मनाएंगे 2021 से लेकर ऑन द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये दिन कब मनाया जाता है? पिछले सेशन में इसी टाइप का क्वेश्चन देखा था, पराक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? January 3 को मनाया जाता है, वेरी करेक्ट। पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस सिटी में एस्टैब्लिश किया गया है? पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम इनॉग्रेट एस्टैब्लिश किया गया है अलाफुजा में। प्रोफेशन ऑफ पद्मश्री विनर वी शांता, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, पद्मश्री अवार्डी रह चुके हैं, इनका प्रोफेशन क्या रहा है? कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनेक या फिर एंड्रोक्रियोनोलॉजिस्ट। सो वी शांता वॉज एन ऑन्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू एंटर इन टू अ डील विद विच कंट्री टू प्रोक्योर 21 MiG-29 and 12 Sukhoi-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के लिए MiG-29, 12 Sukhoi-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने डील किया है रशिया के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रशिया के साथ डील किया हुआ है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कलराव एट द नागीनक्ती बर्ड सेंचुरी। नागीनक्ती बर्ड सेंचुरी में बर्ड फेस्टिवल का नाम याद रखना है कलराव, जिसका पहला एडिशन रहा है। कौन सा स्टेट इसे ऑब्जर्व कर रही है? बिहार। ओके, याद रखे, कलराव बिहार का फेस्टिवल है। अगला है, इनमें से कौन से स्टेट ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो कि नीति आयोग द्वारा रिलीज किया है, इसमें मेजर स्टेट्स कैटेगरी में टॉप किया है। नीति आयोग द्वारा रिलीज किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया है कर्नाटका ने। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका हैज टॉप दिस। हु हैज रिलीज्ड, आपसे पूछ सकते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग रिलीज किया है। इसमें से आपको बताना है स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो कि टॉप रहा है सेम इंडेक्स में। यस, यूटी है दिल्ली, दिल्ली ने टॉप किया है यूटी कैटेगरी में। नेम द स्टेट विच इज टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स कैटेगरी। नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स कैटेगरी में टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने। याद रखे, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट कैटेगरी हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली ने टॉप किया, और ओवरऑल जो स्टेट में टॉप किया है वो है कर्नाटका में। नाउ, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 या फिर सेकेंड एडिशन रहा है, इसका नीति आयोग के वाइस चेयरमैन द्वारा रिलीज किया गया है। वाइस चेयरमैन कौन रहे हैं? यस, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा ने किया था। वेरी करेक्ट आयुष। अच्छा, वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के राजीव कुमार, चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और सीईओ है अमिताभ कांत। ओके, अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हाल ही में इन्होंने इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन किया है, इनमें से किस कंट्री के साथ? डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग जो हुआ था इसके दौरान इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। सो ये जो डायलॉग हुआ था ये इंडिया और सिंगापुर का था, राइट? सो डिफेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली साइन इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन विद सिंगापुर। पहली वुमेन फाइटर पायलट who is to take part in Republic Day Parade on 26th January, who took part in Republic Day Parade, very important. Shivangi Bhavna Kant Mohan Singh, Mohana Singh Jitarwal ya fir Avni Chaturvedi, Bhavna Kant, from which place she belong to? Question pucha gaya tha SBI mein, sorry IBPS clerk mein, Bihar se belong karte hai, Bhavna Kant. Which bank has launched the mobile app InstaFX? InstaFX किसने लॉन्च किया है? For authorized money changers to help customers to gain any bank
गेट द बैंक्स फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड स्विफ्टली। मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स किस बैंक ने लॉन्च किया है? ICICI। ओके, पिछले साल ये मोबाइल एप्स के काफी क्वेश्चन आरबीआई में पूछे थे, याद रखें इंस्टा एफएक्स ICICI का है। एक बुक रिलीज की गई है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड एट इंस्टीट्यूट मेनेंजेस ब्रोगैंजा हॉल इन विच सिटी। कौन सी सिटी में ये बुक रिलीज की गई है, सॉरी इन द सिटी किसके द्वारा रिलीज की गई है? इंस्टीट्यूट मेनेंजा ब्रोगैंजा हॉल में ये बुक रिलीज की गई है किसके द्वारा? ये की गई है प्रमोद सावंत द्वारा। ऑथर बनाने हैं मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड के, ऑथर प्रमोद सावंत जी द्वारा रिलीज की गई है जिसके ऑथर है वामन सुभा प्रभु। वामन सुभा प्रभु बिल्कुल सही है। इंडिया डिजिटल समिट 2021 का ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा, कौन सा एडिशन रहा है? एडिशन आपको बताना है IAMAI का, इंडिया डिजिटल समिट IAMAI द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका 15वां एडिशन रहा है, 15th एडिशन। इंडिया डिजिटल समिट का थीम क्या रहा है, कमेंट में आंसर करेंगे थीम क्या रहा है? बिल्कुल सही है, आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ द न्यू डेकेड। ओके, इट इज द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। ये जो समिट था इंडिया डिजिटल समिट, ये किसका फ्लैगशिप इवेंट रहा है? ये रहा है IMAI का, अभी तो देखा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वो हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन प्लेस ऑफ श्रीपाद येसो नायक हु रिसेंटली मेट विद एन एक्सीडेंट। इनके जगह पर जब श्रीपाद येसो नायक जी का एक्सीडेंट हुआ, इनकी जगह पर एडिशनल चार्ज किसे दिया गया? बिल्कुल सही है, इनके जगह किरण रिजिजू। ओके, किरण रिजिजू बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग आईटी जायंट ऑफ इंडिया हैज बीन अक्रेडिटेड विद गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन इन डेटा एंड एनालिटिक्स? द आंसर इज इंफोसिस। ओके, इंफोसिस। Which center has recently approved 850 megawatt Rattle hydroelectric project in which state? In the states. बिल्कुल सही है, 850 megawatt Rattle hydroelectric project के लिए approval जम्मू एंड कश्मीर को दिया है। Market very important, याद रखिए कितना megawatt का है, 850। सिद्धार्थ मोहंती हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर किस कंपनी के बने हैं? अगेन इम्पोर्टेंट, सिद्धार्थ मोहंती रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ LIC, ओके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो बिडेन कौन से प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, 46, 49, 50 या फिर 42nd? बिल्कुल सही है, 46th प्रेसिडेंट बने हैं। Which bank has launched Aura credit card? Aura loaded with health and wellness benefit. Health and wellness benefits के लिए Aura credit card किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये जो है Axis, याद रखिए Aura Axis बैंक का है। माता प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हुआ था एट द एज ऑफ 95, फॉर्मर गवर्नर किस स्टेट से रह चुके हैं? माता प्रसाद किस स्टेट से फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं? हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल या फिर बिहार से? आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश है फॉर्मर गवर्नर, पॉलिटिकल ऑबिचुअरी है माता प्रसाद। इंडियन रेलवे को रीनेम किया गया है हौरा कलका मेल एज नेताजी एक्सप्रेस, हैज रीनेम्ड द हौरा कलका मेल एज नेताजी एक्सप्रेस, सरदार एक्सप्रेस, आजाद या फिर बोस एक्सप्रेस। इंडियन रेलवेज ने हावड़ा कलका मेल को नेताजी एक्सप्रेस रीनेम किया हुआ है। प्रोफेशन बताना है उन्नीकृष्ण नंबोदरी का, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उन्नीकृष्ण नंबोदरी का प्रोफेशन आपको बताना है, एक्टर रह चुके हैं, वेल नोन एक्टर उन्नीकृष्ण नंबोदरी।
सेफ पे पेमेंट गेटवे का नाम बताना है जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है. वेरी इंपॉर्टेंट. एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर ऑफ इट्स यूजर्स ट्रांजैक्टिंग थ्रू यूपीआई और अदर ऑनलाइन मोड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड. बेसिकली फ्रॉड रेडी ऑनलाइन फ्रॉड्स को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर एक सेफ पेमेंट गेटवे एयरटेल बैंक द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसका नाम याद रखना है एयरटेल सेफ पे है. इंडियन एयरफोर्स ने एक्स डेजर्ट नाइट 21 का इनॉग्रेशन किया है विद द नेवीज ऑफ विच कंट्री. ओके, नेवीज ऑफ विच कंट्री. एक्स डेजर्ट नाइट 21 इंडियन एयरफोर्स द्वारा फ्रांस के साथ किया है. बिल्कुल. गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस लीडर रह चुके, हाल ही में इनका निधन हुआ है. एमएलए रहे, इनमें से किस स्टेट से एमएलए रहे गजेंद्र सिंह शेखावत? राजस्थान से एमएलए रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्विचुअरी, पॉलिटिकल भी है एंड रिनाउंड भी है. कमला हैरिस पहली वुमेन एंड फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू बी स्वोन इन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. शी हैज बीन इलेक्टेड एज द डैश वाइस प्रेसिडेंट. हमने देखा था 46th प्रेसिडेंट जो बिडेन बने हैं, उसी के साथ कमला हैरिस कौन सी महिला, पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है. ये बनी है 49th. याद रखिए 46 एंड 49. बायोलेट्रल एयर एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट नाइट 21 कहाँ पर हेल्ड हुई है? उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में. एक्स डेजर्ट 921 राजस्थान में हेल्ड हुई है. ओके, राजस्थान. अगला सवाल है सातवां एडिशन मैस्करेड 2021 का मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल एंड काउंटरफिट ट्रेड इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा. ये प्रोग्राम कौन से बॉडी ने ऑर्गेनाइज किया है? यूनिसेफ ने, एम्स ने, फिक्की ने, सीआईआई ने. मैस्करेड 2021 का सातवां एडिशन किस बॉडी ने ऑर्गेनाइज किया है? मैस्करेड का सातवां एडिशन फिक्की द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है. इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वहारिव ब्रिज है जो कि लॉन्च किस स्टेट में किया गया है? वहारिव ब्रिज का नाम याद रखना है, इंडिया का लॉन्गेस्ट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है. वहारिव ब्रिज लॉन्च किया गया है मेघालय में. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. अगला है इनमें से किस स्टेट ने अवलोकना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है टू एक्सेस डेटा ऑन सैंक्शंस एंड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट ऑन वेरियस प्रोग्राम. काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में जो भी एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट करती है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है डेटा एक्सेसिबिलिटी के लिए, अवलोकना सॉफ्टवेयर, जो कि बनाया है कर्नाटका ने, नॉट गुजरात. ओके, कर्नाटका हैज बेसिकली लॉन्च दिस अवलोकना सॉफ्टवेयर. अगला है नरेंद्र चांचल, हाल ही में जिनका निधन हुआ है रिसेंटली, वॉज अ रिनाउंड डैश भजन सिंगर, स्पोर्ट्स पर्सन, जर्नलिस्ट, तबला प्लेयर. नरेंद्र चांचल को कौन सी प्रोफेशन से जाना जाता था? वॉज अ वेल नोन भजन सिंगर. भजन सिंगर बिल्कुल सही है. नया चार लेन का थाथलिज शीला रानचरदा रेलवे ओवरब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया. इनमें से किस सिटी में इसका इनॉग्रेशन हुआ है? बिल्कुल, इसका इनॉग्रेशन हुआ है अहमदाबाद में, शीतल अहमदाबाद में. ओके, तो याद रखिए चार लेन का थाथलिज शीलाज रामचंद्र रेलवे ओवरब्रिज. नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया था टू फॉर्मुलेट स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स. माइग्रेंट वर्कर्स को के लिए नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, आपसे मिनिस्ट्री का नाम भी पूछ सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम बिल्कुल सही बताया आपने, श्रम शक्ति. श्रम मीन्स हार्डवर्क, शक्ति पावर, श्रम शक्ति. बिल्कुल. एक्सरसाइज कवच. कवच एक लार्ज स्केल ट्राई सर्विस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रहा है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है बाय विच कमांड ऑफ इंडियन मिलिट्री फोर्स.
एक्सरसाइज कवच का नाम याद रखना है, ट्राई सर्विस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया है अंडमान एंड निकोबार कमांड। ओके, अंडमान एंड निकोबार कमांड। डीआरडीओ ने हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फ्रॉम हॉक वन एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है? डीआरडीओ द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स द्वारा या फिर ऑर्डनेंस फैक्ट्री द्वारा? बिल्कुल सही जवाब है, हाल के द्वारा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। इनमें से जो कौन सा बैंक है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन डीसीप कैटेगरी? डीसीप डोमेस्टिक सिस्टमिकली है। ओके, मेनी ऑफ यू रीड इट अ सिस्टमैटिक, इट अ सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ओके, टू बिग टू फेल, ऐसे बैंक जो कि टू बिग टू फेल है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा है कि वो टू बिग टू फेल है। अब ऐसे कितने टोटल बैंक्स आपको मुझे बताना है एंड इनमें से कौन सा जो है नहीं है। नाउ देर आर हाउ मेनी बैंक्स इन डीसीप कैटेगरी? पीएनबी इज नॉट अमंग देम। ओके, पीएनबी इज नॉट अमंग देम, सो देर आर टोटली थ्री नाउ अंडर द डीसीप। ओके, सो जो कि है एसबीआई, आईसीआई और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी है। 16वां एडिशन हुआ है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का, हाल ही में रिलीज किया गया था। ये एनुअली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज किया है? यूएनडीपी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वाओ, दैट्स ग्रेट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे रिपोर्ट से लेकर कौन रिलीज करता है ये आपसे पूछा जा सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लैरी किंग आइकॉनिक टेलीविजन एंड रेडियो होस्ट रहे हैं, हाल ही में निधन हुआ है। किस कंट्री से बिलोंग करते थे लैरी किंग? किस कंट्री से बिलोंग करते थे? प्रोफेशन याद रखेंगे टेलीविजन रेडियो होस्ट हुआ करते थे, बिलोंग करते थे यूनाइटेड स्टेट्स से। ECI जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस साल एस्टैब्लिश किया गया था? स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, स्टैटिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1950 में। बिल्कुल, नेशनल वोटर्स डे का थीम क्या रहा है? आंसर इन द कमेंट सेक्शन, कब ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वोटर्स डे, इसका इस साल का थीम क्या रहा है? January 24th. 25 January को नेशनल वोटर्स डे, जिसका थीम हमने देखा मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म। 24 जनवरी को यूपी ने कौन सा फाउंडेशन डे मनाया है? यूपी ने मनाया है 71st फाउंडेशन डे, 71st। अगला साल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन 23rd January। काफी बार देखा है इस दिन को हमने, क्या दिन मनाया है? तो इस दिन को हमने मनाया है पराक्रम दिवस। ओके, पराक्रम दिवस। Which team has won the 2021 National Ice Hockey Championship Trophy organized by Ice Hockey Association of India? AHAI द्वारा organize किया गया है। बिल्कुल सही है, Indo-Tibetan Border Force। Okay, Indo-Tibetan Border Force ने 2021 का National Ice Hockey Championship जीता है। नोटेड हिस्टोरियन है नरेंद्र लूथर, हाल ही में इनका निधन हुआ था। ये किस सिटी से एसोसिएटेड है, किस सिटी के हिस्ट्री से एसोसिएटेड है? न्यू दिल्ली से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से या फिर कोची से? ये एसोसिएटेड है विद द हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद, नोटेड हिस्टोरियन नरेंद्र लूथर। अगला सवाल है कुरेलसो उखाना हाल ही में रिजाइन किए गए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है? कुरेलसुख उखाना, कुरेलसुख उखाना मंगोलिया के पीएम से रिजाइन कर चुके हैं। बिल्कुल सही शुभम,
यस बिल्कुल सही. विच डे इज मार्क्ड एज द नेशनल टूरिज्म डे? वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल टूरिज्म डे. इंडिया में हर साल कौन सा दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी. ओके, 25th ऑफ जनवरी. अगला सवाल है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. हर साल हम कौन से दिन मनाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, 24th ऑफ जनवरी. इनमें से कौन से स्टेट ने उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा यूथ्स तक पहुंचाया जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा टू बी प्रोवाइडेड फॉर द यूथ्स. उद्यम सारथी एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय द स्टेट ऑफ यूपी. वेरी वेरी करेक्ट गाइस, नॉट वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एज योर करेक्ट आंसर. योगी आदित्यनाथ, उद्यम सारथी ऐप याद रखे. अगला सवाल है इनमें से कौन से कंट्री ने दुनिया का टॉप मोस्ट कंट्री बना है विथ लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस? ओके, करंट अकाउंट सरप्लस बीओपी में हम बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ओके, अब करंट अकाउंट सरप्लस में सर्वे रिलीज किया गया था मुनिच बेस्ट इन्फो इंस्टीट्यूट द्वारा, जिसमें से कौन सी कंट्री दुनिया में टॉप कर चुकी है? तो ये है चाइना, याद रखिए, द लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस. नेक्स्ट, इंडिया नेशनल वोटर्स डे कब मनाता है? बिल्कुल सही, 25 जनवरी. बीएसएफ हैज लॉन्च ऑपरेशन सर्द हवा. ऑपरेशन का नाम याद रखना है, ऑपरेशन सर्द हवा. ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर इंस्टेंसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यू टू डेंस फॉग कवर इन द एरिया को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा लॉन्च किया गया है? इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. राजस्थान, वेरी करेक्ट. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने स्टूडेंट्स को कॉन्फर किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टोटली दिया गया है 32 स्टूडेंट्स को. वेरी गुड. मोजाम्बिक टॉप कंट्री बना है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, कौन इसे रिलीज करता है? वर्स्ट हिट कंट्री में, वर्स्ट हिट कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज कैटेगरी में टॉप मोजाम्बिक ने किया है. ये जो इंडेक्स है रिलीज किया जाता है हर साल जर्मन वॉच द्वारा. जर्मन वॉच इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीजेस द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स एक्सरसाइज किस प्लेस पर हुई है? ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स हुई है अंडमान एंड निकोबार में. ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. नेक्स्ट, मार्सेलो रबेला डी सूजा. मार्सेलो रबेलो डी सूजा हैज वॉन द सेकेंड टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री के सेकेंड टर्म जीता है इन्होंने? बिल्कुल सही है, पोर्चुगल. पोर्चुगल एज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट रेसिपियंट ऑफ एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लार्जेस्ट रेसिपियंट अंकटैट के रिपोर्ट के मुताबिक कौन रहा है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का रिपोर्ट जो रिलीज किया गया है इसके मुताबिक लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई में चाइना आगे रहा है. इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल कब मनाया जाता है? ऑल ओवर द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी. ओके, 24th ऑफ जनवरी. सैटेलाइट का नाम है राइड शेयर मिशन ट्रांसपोर्टर 1. हाल ही में कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च रिकॉर्ड ब्रेकिंग 143 सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस इन अ सिंगल मिशन. ये लॉन्च किया गया है सैटेलाइट राइड शेयर मिशन ट्रांसपोर्टर 1 स्पेसएक्स द्वारा. स्पेसएक्स 2021 में इंडिया कौन सा एडिशन मनाया? हम देख चुके थे 72nd रिपब्लिक डे. विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम पंख अभियान? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए पंख अभियान कौन से स्टेट ने स्कीम बनाई है? बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश ने, एमपी ने.
अगला सवाल है, पहला स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव टू एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स, दो एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स बनाने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा रहा है? यस, द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कस्टम्स ड्यूटी कौन से दिन हम मनाते हैं? इंटरनेशनल कस्टम्स ड्यूटी हम मनाते हैं 26 जनवरी को, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क 2021 में, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क, ओके, वर्स्ट अफेक्टेड कौन सी कंट्री रही है, कमेंट में आंसर करेंगे, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री कौन सी रही है? इंडिया का जो रैंक है इसमें है सातवां, सेवेंथ रैंक। बिल्कुल, नेक्स्ट इज हु हैज कॉन्फर्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ 51st IFFI, वेरी करेक्ट अलीशा, मोजाम्बिक वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड। 51st IFFI गोवा में जो हेल्प हुआ था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है विटोरो स्टोरारो को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किसे दिया गया है? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को। सीड्स का फुल फॉर्म पूरा के पूरा आपको याद रखना है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी। पद्मा अवार्ड्स, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस फॉर 2021, 2021 के लिए कितने पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं? हंड्रेड एंड नाइनटीन पद्म अवार्ड्स जो है दिए गए हैं। हु हैज बीन फेलिसिटेटेड विद द इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट 51st IFFI 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बिश्वजीत चैटर्जी। बांग्लादेश फोकस कंट्री रहा, हमने देखा था इसमें IFFI में कितने फिल्म्स उस कंट्री से इंक्लूड किए गए हैं एज कंट्री ऑफ फोकस सेक्शन, इन द कंट्री ऑफ फोकस सेक्शन। हाउ मेनी फिल्म्स फ्रॉम बांग्लादेश वेयर इंक्लूडेड इन द कंट्री ऑफ फोकस सेक्शन? बांग्लादेश से टोटल 4 फिल्म्स यहाँ पर फेस्टिवल में इंक्लूड किए गए हैं। बिल्कुल, इंडिविजुअल का नाम बताना है जिसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है। वेरी वेरी करेक्ट, द आंसर इज राजेंद्र कुमार भंडारी। ओके, राजेंद्र कुमार भंडारी द अवॉर्डी रेसिपिएंट फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। जेके सिवन नेम्ड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बिल्कुल धनलक्ष्मी बैंक जेके सिवन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बने हैं। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? ग्लोबली, ऑल अक्रॉस द ग्लोब इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है 27 जनवरी को, 27th ऑफ जैन को। अगला सवाल है, DRDO ने पहला टेस्टिंग फायर आकाश एनजी मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ये जो मिसाइल है आकाश एनजी, इट्स अ न्यू जनरेशन डैश मिसाइल। व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल? एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर। DRDO has conducted the first air test firing of आकाश एनजी which is a surface to air missile, surface to air। अगला सवाल है, प्रसन्नता दोरा हाल ही में निधन हुआ था, एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स से जाने जाते थे प्रसन्नता दोरा? प्रसन्नता दोरा फुटबॉलर रहे हैं। अगला सवाल है, गुसेप कॉन्ड हाल ही में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन कर चुके हैं? गुसेप कॉन्ड रिजाइन किए हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर से। बिल्कुल, इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम 2020 का कौन सा एडिशन रहा है?
इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम 2020 का कौन सा एडिशन रहा है? पांचवा एडिशन रहा है। ओके, सो ये जो मीटिंग थी को चेयर की गई थी फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा और जापान टू इंडिया, ओके, एम्बेसिडर ऑफ जापान टू इंडिया सुजोकी संतोषी भी इस मीटिंग से रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। याद रखना है हर्षवर्धन श्रृंगला एंड सुजुकी संतोषी। द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडिया जापान एक्ट इज फोरम। ओके, अब ये जो फोरम हुआ था हमने देखा फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड एम्बेसिडर ऑफ जापान। हु इज द करंट फॉरेन सेक्रेटरी? वही क्वेश्चन है यार, सेम चीज। चलो बता दो जो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, करेंट फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला रहे हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी जायंट रही है माइक्रोसॉफ्ट, विच इज रिसेंटली ओपन इट्स न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी इन विच ऑफ दिस सिटीज। कौन सी सिटीज में हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने नया इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी जो है ओपन किया हुआ है? बिल्कुल सही है, नोएडा में। ओके, नोएडा। नेक्स्ट, द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS इंप्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किया है SISFS स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम? ये इंप्लीमेंट किया गया है DPIIT द्वारा। रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में आपको इंडिया का रैंक बताना है। द रैंक इज 10th। वेरी करेक्ट, द रैंक इज 10th। वैलिडिटी पीरियड अभी हाल ही में देखा था SISFS का, वैलिडिटी पीरियड कितना रहा है? इसका वैलिडिटी है 5 सालों का। ओके, 5 years। नोबेल लॉरेट पॉल जे क्रुत्जेन का निधन हुआ था, किस फील्ड में अवार्ड रिसीव कर चुके हैं? इकोनॉमिक, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर। वेरी करेक्ट, पॉल क्रुत्जेन वॉज एन अवॉर्डी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री याद रखिए, क्रुत्जेन केमिस्ट्री। अगला सवाल है, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस रह चुकी है क्लोरिस लीचमैन, हाल ही में निधन हुआ था, किस कंट्री से बिलोंग करती थी? बिल्कुल सही है। ओके, क्लोरिस लीचमैन एक्ट्रेस, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। न्यू प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ACC के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ACC के नए प्रेसिडेंट बने हैं जय शाह। सिंगापुर ने टॉप किया है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स में। ये जो इंडेक्स है कौन सी बॉडी से रिलीज करती है? कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सी बॉडी यहाँ पर एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स को रिलीज करती है? वो है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। वेरी गुड। इंडिया का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? मार्केट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट जेंडर पार्क ऑफ इंडिया हैज बीन सेटअप इन विच सिटी? द आंसर इज कोझिकोड। ओके, कोझिकोड में। वेरी गुड। BCCI ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2020-21 का सीजन कैंसिल किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द गेम्स हिस्ट्री। द चैंपियनशिप वॉज फर्स्ट हेल्ड इन विच सीजन? अब ये ग्रुप में UPSC स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन है जो आजकल बैंक में भी चल रहा है, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके क्वेश्चंस पूछ रहे। तो ये है 1934-35 में पहला हेल्ड हुआ था। वर्ल्ड लेप्रोसी डे अक्रॉस द ग्लोब कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे, यस, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। याद रखे, लास्ट संडे ऑफ जनवरी वर्ल्ड लेप्रोसी डे। 30 जनवरी को इंडिया ने मार्टियर्स डे मनाया था। ओके, टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? किस लीडर की डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए इंडिया मार्टियर्स डे मनाता है? राजीव गांधी, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी या फिर लाला लाजपत राय? वेरी वेरी करेक्ट, महात्मा गांधी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दिस हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ आयुष्मान भारत? अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आयुष्मान भारत के कौन अपॉइंट हुए हैं? आरएस शर्मा। ओके, आरएस शर्मा। अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईयर ऑफ एनवायरनमेंट पार्टनरशिप किस कंट्री के साथ की है? फॉर 2021, 2021 के लिए ईयर ऑफ एनवायरनमेंट पार्टनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रांस के साथ की है। फ्रांस, वेरी गुड। कृषि सखा, ओके, कृषि सखा किस मोबाइल एप्लीकेशन, किस इंश्योरेंस फर्म द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मतलब फार्म, सखा मतलब फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड। इंश्योरेंस फर्म का नाम बताना है जिसने इसे लॉन्च किया है, वो है भारती अक्सा। ओके, इट इज भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस। बिल्कुल, अगला सवाल है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एनटीडी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? बिल्कुल, द आंसर इज 30th ऑफ जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, अभी हमने देखा था 5 ईयर का इसका टेन्योर रहा है, टू फंड द स्टार्टअप्स। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अलोकेटेड अंडर द स्कीम, इस स्कीम के तहत कितना अमाउंट जो है अलोकेट किया गया है? SIFS स्कीम का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द अमाउंट दैट हैज बीन अलोकेटेड इज 945 करोड़। ओके, 945। अगला सवाल है, रैंक ऑफ इंडियन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मार्केट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट CPI में इंडिया का रैंकिंग कितना रहा है? इंडिया का रैंकिंग रहा है 86। हु अमंग दिस इज नॉट द MD ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो फिर क्या है? द आंसर इज दिनेश कुमार। What is the answer in the comment? State Bank of India के क्या है? The current chairman. The tableau of which state has won the first prize of Republic Day Parade? कौन से स्टेट के टैबलो ने पहला प्राइज जीता है रिपब्लिक डे परेड में? यह है यूपी के टैबलो ने, यूपी। नेक्स्ट, काजा कल्लास की अपॉइंटमेंट हुई है एज फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काजा कल्लास अपॉइंट की गई है? ऑफ एस्टोनिया। ओके, एस्टोनिया एज योर करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the new Vice Chief of Army Staff to replace incumbent Vice Lieutenant General S.K. Saini? New Vice Chief of Army Staff के appointment किसकी हुई है? Lieutenant General S.K. Saini को replace करते हुए Vice Chief of Army Staff बने हैं चांदी प्रसाद मोहंती। अगला सवाल है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्लेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड, UN पीस बिल्डिंग फंड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट दिया है? बिल्कुल सही है, इट इज $1,50,000। ओके, $1,50,000। नेक्स्ट, टॉप मोस्ट इंडियन IT सर्विस ब्रांड एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ ब्रांड फिनांस, ब्रांड फिनांस के लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक सबसे टॉप मोस्ट इंडियन IT सर्विस ब्रांड कौन सा रहा है? सो ये रहा है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। वेरी गुड। सुकन्या समृद्धि योजना का 2021 फिस्कल के लिए इंटरेस्ट रेट आपको बताना। सुकन्या समृद्धि योजना In quarter 4 of 2021 fiscal, the interest rate is 7.6%. Okay, मत skip करो इसे, याद करो, मैंने list पूरा share किया, special class मेरी जॉइन अकेडमी पे होती है, आपको detail वाला PDF भी वहाँ पे मिलेगा, उसमें मैंने पूरा list आपके साथ share किया था। Rank of Indian Coronavirus Performance Index released by Lowy Institute, Lowy Institute द्वारा हाल ही में जो कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया है, इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना रहा है?
बिल्कुल 86th, अगेन 86, वेरी गुड. गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ओपन अ न्यू बेंच ऑफ एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल का नया बेंच गवर्नमेंट ने ओपन किया है. कौन से सिटी में? चेन्नई में, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम या फिर बेंगलोर में? चेन्नई में एनसीएलटी का न्यू बेंच गवर्नमेंट द्वारा ओपन किया गया है. इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ किया है. कॉल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी. ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बढ़ावा, इसे स्ट्रेंथन करने के लिए एमओयू इंडिया का हुआ है आईईए के साथ. इसकी हेडक्वार्टर्स है पेरिस में. ओके, आईईए की हेडक्वार्टर्स है पेरिस में. हाउ मेनी प्रगति मीटिंग्स हैव बीन चेयर्ड बाय पीएम मोदी टिल डेट सिंस इट्स इंसेप्शन? शुरुआत से लेकर अभी तक मोदी जी द्वारा कितने प्रगति मीटिंग्स को चेयर किया गया है? तो टोटली 35 टुडे. ओके, 35. अगला सवाल है, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क ने जॉइंटली फर्स्ट पोजीशन हासिल की है सीपीआई इंडेक्स में. ये जो इंडेक्स है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है? हमने इंडिया का रैंकिंग देखा था, 86 रहा था. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिलीज किया जा, ये जो इंडेक्स है रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. याद रखे करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे रिलीज करता है. विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय लॉवे इंस्टीट्यूट रिसेंटली? यस, ये जो है टॉप किया है न्यूजीलैंड ने. ओके, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में न्यूजीलैंड ने टॉप किया है. इंटरेस्ट रेट बताना है सीनियर सिटीजन स्कीम का, सीनियर सिटीजन स्कीम का इंटरेस्ट रेट. यस, 7.4%, वेरी गुड, 7.4%. सो गाइस, इसी के साथ लगभग 200 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए. ठीक है, सो पूरा जनवरी पार्ट वन एंड पार्ट टू का, पूरा जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, तो आप लोग को बस रिवाइज करना है अपने एंड से, जिसका टेलीग्राम सिंपल कॉन्सेप्ट्स बाय रूई मैम इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी इसका अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, सो शाम में 8:30 बजे 8:30 पे सेशन लेने वाली हूँ बजट और इकोनॉमिक सर्वे के एमसीक्यूज का. इसी की तरह 1.5 घंटे का सेशन रहेगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे के एमसीक्यूज, जो आपके आरबीआई के फेज वन में काम आ सकते हो. इसी के अलावा कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, सो होप टू सी यू देयर. टिल देन थैंक यू. 8:30 अंकित शाम को. ओके, 8:30 बजे सेशन रहेगा. फिर मिलते हैं अगले सेशन में. इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन हिट द लाइक बटन. ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस.